स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आज भारतीय किसान संघ तहसील इकाई गोलाना द्वारा माननीय मुख्य कार्यपालन यंत्री महोदय के नाम कनिष्ठ यंत्री गोलाना को ज्ञापन दिया गया, जिसमें विद्युत समस्या व कनिष्ठ यंत्री गोलाना के व्यवहार से संबंधित रहा। दूसरा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम माननीय तहसीलदार महोदय को आकस्मिक बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा व बीमा दिलवाया जाए। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष सवाई सिंह जी सिसोदिया, जिला कार्यालय मंत्री अरविंद जी जोशी, जिला जल आयाम अनिल जी पाटीदार, जिला जैविक प्रमुख शिवनारायण शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य भागीरथ जी तोमर, तहसील मंत्री जितेंद्र जी गोठी, तहसील उपाध्यक्ष संजय त्रिवेदी, मनोहर सिंह जी राजपूत, भारत जी परमार, गोर्धन सिंह जी राजपूत, सत्यनारायण जी पाटीदार, मुकेश जी पाटीदार तथा तहसील के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाजापुर जिले से प्रेम सिंह जादौन। आज भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष श्री सवाई सिंह जी सिसोदिया जी आज फिर किसानों का मुद्दा लेकर तहसील विभाग में उपस्थित हुए। किसानों के साथ में पता नहीं प्रकृति किसानों से क्यों नाराज है, इसलिए जब भी किसान को आवश्यकता पड़ती है किसान संघ हमेशा किसानों के लिए आवाज़ उठाता रहता है। तो आइए पूछते हैं कि आज किसान के संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय को किस रूप में ज्ञापन दिया गया। आज वापस पुनः बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार सभी जिलों में चल रहा है, सभी तहसीलों में ज्ञापन हुआ है। प्राकृतिक आपदा हुई, आप भी जानते हैं 26 तारीख को इतनी घनघोर बारिश हुई और लगातार 3 दिन तक बारिश चलती रही। उसके जो सोयाबीन है किसानों की कटी पड़ी थी, कुछ सोयाबीन खड़ी हुई थी और कुछ सोयाबीन अभी हरी है, लेकिन वो हरी भी है लेकिन उसमें दाना पिचक गया है क्योंकि वायरस के कारण हो गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्णतः किसान की फसल चौपट हो चुकी है। किसान संघ की मांग थी कि सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये किया जाए, उसके बावजूद भी सोयाबीन 4,000 रुपये के आसपास बिक रही है। क्या मतलब सरकार के कानों तक किसान संघ की आवाज़ नहीं पहुंच पाई? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रांतीय मंत्री, संगठन मंत्री सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उनको कहा कि आप जो 4,892 रुपये आप खरीदी कर रहे हैं, लेकिन ये खरीदी कितने, मान लो 20%, 30%, 40% में खरीदेंगे, बाकी का सोयाबीन किसान कहाँ ले जाएगा, वो तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़, आज बाजार में 3,800, 4,000, 4,200 का भाव चल रहा है और वास्तव में किसान की एक बीघे की लागत 16,000, 17,000 रुपये पड़ती है, तो उससे ऐसा लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा दिया सरकार ने। तो शासन से ये मांग कर रहे हैं बार बार कि जो आप 4,892 रुपये तो दें, लेकिन साथ में आप 1,108 रुपये का बोनस दें जिससे कि किसान को 6,000 रुपये, लेकिन उस 6,000 से भी किसान का पूरा नहीं होगा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, लेकिन फिर भी किसान उसके लिए सहमत हो रहा है, तो कम से कम तो आप 6,000 तो दें। तो शासन तक तो हमारी मांगे हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसा लगता है भविष्य में आने वाले समय में किसान संगठन 15-20 दिन बाद एक बड़ा जन आंदोलन सब दूर खड़ा हो जाएगा। लगता है कि जितने संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज वर्तमान सरकार बोलती है कि किसानों की सरकार है, उसके बावजूद भी मार्केट में अगर मार्केट का रेट अगर किसी से पूछते हैं, दवा खाद बीज अन्य इलेक्ट्रिक सिस्टम है कहीं, आज फ्रिज की अगर कीमत पूछे तो आज से 10 साल पहले 8,000 रुपये का था, आज वर्तमान में 12,000 रुपये का है, पर वर्तमान में 12 साल पहले भी 4,000 सोयाबीन थी और आज भी 4,000 रुपये की सोयाबीन बिक रही है, क्या यही किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? देखिए, सरकार कोई सी भी आए, जीतने के बाद, बनने के बाद वो हमारी होती है, कौन कहाँ काम कर रहा ये विचार उसका मतभेद हो सकता है या विचार हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, हमारा देश का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे कृषि मंत्री जी, इस किसान नहीं, ये किसान ही था जिसने इस राज्य को करुणा पुरस्कार दिलवाया, सोया के नाम से प्रसिद्ध करवाया, लेकिन उसके बाद भी आज उसकी बदहाली जिस तरह से देखी जाए तो यूँ देखिए कि एक निचले स्तर का कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग श्रेणी का कर्मचारी भी उससे अच्छा है, लेकिन किसान जो अपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने उस तिलचिलाती धूप में काम करता है, कड़कड़क ठंड में काम करता है, बरसात में काम करता है और अन्न उगा के इन 143 करोड़ का पेट भरता है, लेकिन आज उसकी हालत देखी जाए उसके बाद भी अपना पेट काट करके वो जनता को खिला रहा है, उसके बाद भी ये सरकार सोई हुई है।
ये सरकार किसानों की नहीं हो सकती, मेरे कहने के अनुसार चाहे बीजेपी की हो, ये बीजेपी वाले भी आजकल कोई सही नहीं है। ये आज चाहते हैं तो देश का जो मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो आपने क्या करा किसानों के लिए? आज डीएपी के भाव 1400-1500 है, यही भाव अगर आप देखे जाएंगे तो 500 रुपये थे। तो कहीं ना कहीं लागत बढ़ी है और जो किसानों की आय घटी है। तो कहती है सरकार कि हम आय दुगना करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार की ये कहने से आय दुगनी होगी। किसान संघ ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि विगत कई वर्षों से किसान संघ हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है, समय आता है जब भी पार्टी किसी तरह किसानों से वोट ले लेती है, उसके बावजूद भी किसान आज वहीं का वहीं खड़ा है। इंडिया 24 से शाजापुर से प्रेम सिंह जादव। अधिकारी जरूरी किसानों के साथ में सर, क्या विषय में आज किसान लोगों ने ज्ञापन दिया? लाला क्षेत्र के किसान भाइयों के द्वारा एक मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसे मैंने प्राप्त कर लिया है, उनकी मांग को पहुँचाएंगे आगे। अधिकारी जरूरी किसानों के साथ में सर, क्या विषय में आज किसान लोगों ने ज्ञापन दिया? लाला क्षेत्र के